بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأني لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضال وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي पनाह मांगती हूँ शैतान मर्दूद से। दमिश्क असरे यजी अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। खुदा आपकी उम्र दराज करे, आपके लिए राख से कब्र है। हुसैन इब्ने अली मारा गया? नहीं, आपके वफादार उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने करबला नामी सरजमीन पर उनका मुहासरा कर लिया है। बहुत अच्छा किया। अगर तलवार से ना भी मारा गया तब भी प्यास की शिद्दत उसे मार डालेगी। क्या जिस तरह से नवासाए रसूल पर लश्करकशी की है रोमियो पर भी कर सकते थे अमीरुल मोमिनीन? हिंद, तुम मेरे हुकूमती मामलात में दखल अंदाजी से बाज नहीं आओगी? आखिर कब तक दूसरों के मशवरों पर चलते रहोगे? हुसैन इब्ने अली के कत्ल के सिलसिले में अब सिर्फ तुम्हारा बंदर ही रह गया है जिसे मशवरा नहीं लिया। मैं किसी के मशवरों पर नहीं चलता। किसकी मजाल है जो मुझ पर अपनी राय थोपे? मुझे तो उम्मत के खैर ख्वाहों की बातों पर ताज्जुब होता है। हुसैन और जिन्होंने उसके साथ कयाम किया। तुम जिनसे मशवरा करते हो उनको तअस्सुब और कीने ने अंधा किया हुआ है। तुम हुसैन के बारे में रसूलुल्लाह के फरमुदात और उनके मकाम और मर्तबे को यकसर भुला बैठे हो। खुदा की कसम, अगर उनके कत्ल का इरादा ना रखते होते तो इस तरह उस रोमी की चिकनी चपड़ी बातों में ना आ जाते, अपने कारिंदों के नाम पैगाम न भेजते कि हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर दें। इस मामले में कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है। रोजे रोशन की तरह आया है, अगर अंधे को दिखाई न दे तो और बात है। ए कूफा वालो, खुदा की कसम तुमसे पहले कोई भी कौम इस तरह से अपने नबी के बेटों के कत्ल के लिए नहीं उठी।
بخدا قسم کسی قوم نے اپنے نبی کے بیٹوں کے خلاف لشکر کشی نہیں کی, خدا ایسی کسی قوم کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اسے ظالموں اور ستمگروں کے شر سے نجات دیتا ہے جو اس طرح بہترین ہستیوں پر ظلم کرتے ہیں. اے مردم کوفہ, کسی کے برغلانے میں مت آنا, ظالموں کے قصر و محلات تمہیں خوفزدہ نہ کر دے. خدا کی قسم, حسین کے خلاف جو بھی تلوار اور نیزہ بلند کرے گا وہ خدا کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے شدید عذاب کا مستحق ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لو كنتم في بيوت. امام نے اپنے اگلے خطبے کے آغاز میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 156 آیت میں سے کچھ حصے کی تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل جاتے. اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے, اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے. سختیوں کے لیے تیار ہو جاؤ اور جان لو کہ خداوند متعال تمہارا حامی و ناصر ہے, تمہیں دشمنوں کے شر سے نجات دے کر تمہارا انجام بخیر کرے گا. تمہارے دشمنوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا کر کے تمہارے رنج و غم کی جزا میں تمہیں اپنی مختلف نعمتوں سے سرفراز کرے گا. شکایت مت کرو اور جو باتیں تمہاری شایع نشان نہ ہوں انہیں زبان پر مت لاؤ. میں تمہیں خدا کو سونپتا ہوں. ہر شخص اپنی معین شدہ موت کی جانب گامزن ہے. پھپھی زینب, پھپھی کی جان, پھپھی اما, پھپھی زینب. قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا.
आए हो? बाबा को कहाँ छोड़ा है, किस तरह छोड़ा है? इमाम ने फरमाया, मेरा सलाम हो आप पर अबा अब्दुल्ला और उन रूहों पर सलाम जो आपकी ज़ियारत के लिए जमीन पर उतरे। अबा अब्दुल्ला, आप पर मेरी तरफ से खुदा का सलाम, हमेशा हमेशा जब तक जिंदा हूं और रात दिन बाकी है। यकीनन तुम ज़ैनब दुख्तर अली हो, ये कौन है? तू क्या चाहता है ऐ शिमर? अभी तेरे सीने की आग ठंडी नहीं हुई। ये हुसैन का बेटा अली है, वही हुसैन जिसे दावत देकर बुलाया गया और फिर तनहा छोड़ दिया। मैं समझा था तुमने सिर्फ औरतों और बच्चों को जिंदा छोड़ा है। अब सिर्फ यही तो है जिसे खुदा ने नस्ले हुसैन में से महफूज रखा है।
तुम इसे भी मार देना चाहते हो? जिंदा क्यों रह गया? मेरा ख्याल है जंग से डर गया है। ये सभी जानते हैं कि अली और औलादे अली डरने वालों में से नहीं है। डरने वाले तो वो हैं जो खुदा से डरने के बजाय खलीफा से डरते हैं। अफसोस, अफसोस है तुम पर आए फर्जंदान अली। मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर मत करो, मुझे सख्ती करने पर मत उकसाओ। मैं इसे हर हाल में कत्ल करूंगा। खबरदार रहे शिम्र, तू किस तरह एक बीमार को मार सकता है? सामने से हट जाओ वरना तुम्हें मार डालूंगा। हाँ मार डालो, ताकि मुसलमान जान ले कि यजीद ने सिपाही और लश्कर तैयार किया एक औरत को मारने के लिए सिर्फ इस जुर्म में कि मोहम्मद की नवासी है। वो मोहम्मद के जिनका जानशी यजीद खुद को समझता है। हाँ मार डालो। तो जिसने अहले बैत पैगंबर और उनके नवासे को भी कत्ल करने से दरेग नहीं किया, कहाँ वो औरत जो खुद चाहती है कि इसे मौत आ जाए लेकिन अपनी आंखों से अपने भाई को बदतरीन इंसानों के हाथों ज़िबा होते ना देखे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुना रमला, खबर यह है कि आप कामयाब हो गए अमीर। यजीद के हुक्म की तामील हो गई, यानी यजीद के फरमाबरदार साथी अमीर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाथों। मारा गया हुसैन? मैं आपसे पहले यह खबर अपनी जबान पर लाना नहीं चाहता था। जी हाँ, मार दिया हुसैन को। मारा गया हुसैन, बेशक तूने बेहतरीन खबर सुनाई है, तो इनाम का हकदार ठहरा। ये ले, मारा गया हुसैन। होली हुक्म कीजिए ए अमीर लश्कर। चंद सिपाहियों के हमरा नखलिया के मकाम पर इब्न ज़ियाद को सरे हुसैन पहुंचा दो। बहाना मिले तो कूफे चले जाना, किसी और की निगाह न पड़े। इब्न ज़ियाद यकीनन वजद में आ जाएगा जब वो खुद अपनी आंखों से सरे हुसैन इब्न अली को देखेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान कर्बला में जाते हुए ज़ैनब कुबरा से वक्त रुख्सत आखिरी बार फरमाते हैं कि ए बहन सब्र करना हर मुसीबत पर, अहले जमीन भी गमजदा हैं और अहले आसमान भी रो रहे हैं। हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय अल्लाह ताला की कुदरत के। हर मखलूक को उसने अपनी कुदरत से खल्क किया है और हर एक उसकी तरफ लौट कर जाएगा, बस उसकी जात बाकी होगी। ए बहन इमामत को बचाना, कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो जान की परवाह न करना। करबला की शेर दिल खातून बनकर इमाम वक्त की हिफाजत करना। ए अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। खुदा की कसम किसी बहन को ऐसी हौलनाक मुसीबत का सामना नहीं होगा। परवरदिगारा मैं तेरे महबूब की अजीज तरीन हस्ती को तेरे सुपुर्द करती हूँ। मेरे आका और सरवर, मेरे सैयद सरदार, मेरा सलाम हो आप पर या अब्दुल्ला।
और मेरा सलाम हो उन अरवाह तैयबा पर जो आपके साथ मुकीम हैं, जो आपके साथ कर्बला में शहीद हुई। मेरी तरफ से आप पर अल्लाह का सलाम, जब तक मैं जिंदा हूँ और जब तक दिन रात बाकी रहे। अल्लाह इस ज़ियारत को आपकी बारगाह में आखिरी ज़ियारत करार न दे। आगे बढ़ो, हरकत करो। जी मेरे सरदार, सरे हुसैन है। आए जाते हैं, कूफे वाले जब उन्हें देखेंगे तो उनके दिलों में अमीर शाम की हैबत बैठ जाएगी। तुम्हारे अहले बैत को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखकर वो देखेंगे कि हत्ता उनके जद मोहम्मद की निस्बत भी उनके किसी काम नहीं आई। तुम्हारे हुसैन के इकदाम का नतीजा है। तुम तो अपने जद के शहर में आसाइश से रह रहे थे, क्या हुआ जो यहाँ का रुख किया? डरे सहमे लोगों के चंद खतूत की खातिर
खुदा बैत कर लेना कहीं बेहतर था। अपने घर में बैठकर फतवा देते, फुकरा मसाकीन को खाना खिलाते और बेसहारों को पनाह दे का सवाब हासिल करते, नतीजतन बहिश्त में जगह पा लेते। लेकिन और ये दुख्तर अली, तुम्हारा बाप चराग की लौ धीमी कर दिया करता था ताकि कोई तुम्हारा साया भी देख ना पाए। गलत तो नहीं कह रहा मैं? उस खुदा का शुक्र है कि जिसने तुम्हें रुसवा किया और हमें तुम पर फतह। तारीफ अल्लाह के लिए जिसने रसूल अल्लाह के जरिए हमें इज्जत दी और हमें पाक रखा हर किस्म की नजासत से। जिल्लत रुसवाई सिर्फ फासिक के लिए है और सितमगारों के लिए मुज़म्मत और मलामत कि हम उनमें से नहीं। देखा खुदा ने तुम्हारे भाई और उनके साथियों के साथ क्या किया। खुदा की कसम अच्छाई के अलावा कुछ नहीं देखा। अच्छाई? अपने अहले बैत की मौत देखना अच्छाई है? एक बदबख्त कौम के नसीब में अल्लाह ने उनका कत्ल लिखा था, वो खुद अपने पैरों से चलकर अपनी कत्लगाह की तरफ गए। खुदा के सामने तेरा और उनका सामना होगा और तब तुझे खुदा के आगे जवाब देना होगा। उस वक्त तू खुद देख लेगा कि उस दिन किसकी हुकूमत होगी। उस खुदा का शुक्र है जिसने तेरे सरकश भाई और उसके अजीजों और साथियों के कत्ल से मेरे दिल और आंखों को ठंडक पहुंचाई। अगर कत्ल हुसैन से तेरे दिल को ठंडक मिली है तो याद रख, हुसैन को देखकर रसूल अल्लाह के दिल को ठंडक मिली। वो उनके बोसे लेते थे और उन्हें और उनके भाई को अपनी पुश्त पर बिठाते थे। लिहाजा रोजे जजा के लिए तैयार हो जा। इन्हें जिंदान में डाल दो, कौन करेगा इंसाफ? जो किसी पर जुल्म करे और बेगुनाह का कत्ल करे उसका ठिकाना जहन्नुम है, और क्या बुरा ठिकाना है वो। तुम कौन हो? बोल, अमीर के सवाल का जवाब दे। ये अली है, अली इब्न हुसैन। क्या हुसैन को खुदा ने कत्ल नहीं किया? मेरा एक भाई था जिसका नाम अली इब्न हुसैन था, उसे लोगों ने कत्ल किया लेकिन कयामत के दिन उसका हिसाब देना होगा। खामोश हो जा, तेरे जवाब की जरूरत, इसे बाहर ले जाओ। शिम्र, इसकी गर्दन उड़ा दो। ए इब्ने ज़ियाद, खबरदार जो तूने इसे कत्ल किया। हमारे अहले बैत को कत्ल करके तुझे सुकून नहीं मिला? हमारे खून से तुझे रसूल अल्लाह के खून की खुशबू नहीं आई? इसको कत्ल किया तो तमाम मस्तूरात को कत्ल करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे कत्ल कर, फिर इसको कत्ल करना। मेरी बात सुनो अमीर, मेरी बात सुनो। ए अमीर, ऐसा हरगिज़ न करना। मैं इसे कत्ल करूंगा, उसने जो दरबार में बेइज्जती की उसका मजा चखाऊंगा। मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ए अमीर, ये बीमार है, ये तो वैसे ही मरा हुआ है। बीमार है? बेशक बीमारी खुद मौत से ज्यादा बड़ा अज़ाब है, और जब हम बीमार होते हैं तो अल्लाह ही शिफा देता है। इन्हें जिंदान में ले जाओ।
جناب امیر جناب امیر آپ کے لیے خبر لایا ہوں۔ مارا گیا حسین؟ یہ خط ابن زیاد نے بھیجا ہے آپ کے لیے۔ انہیں بھیج دیں؟ کہاں؟ شام میں۔ شام؟ یہ خلیفہ کا حکم ہے، حکم دیا ہے کہ انہیں شام روانہ کر دو۔ لیکن اے امیر، شام کے راستے میں کئی ایک منزلیں ہیں کہ جن سے ہمیں گزرنا ہوگا، ان میں علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے کافی تعداد میں موجود ہیں جو ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دیں گے، کیونکہ ہمارے ہمراہ ان کے اہل بیت ہیں جن میں سے بعض شہید ہو گئے ہیں اور بعض اسیر ہیں۔ جتنے سپاہی درکار ہو تمہارے اختیار میں دیتا ہوں، لہذا کوئی مزاحمت کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ آخر کسرا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اے بنت علی؟ اس کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے ہمارے جد رسول اللہ کی ولادت سے۔ آج رسول اللہ کا دل کیا محسوس کر رہا ہوگا جبکہ اس کے نواسے کا سر جسم سے جدا پڑا ہے اور اس کے حرم قیدی ہیں؟ زبان بند رکھ سلجوشن کے بیٹے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين۔ کچھ دیر بعد تو بھی حسین ابن علی کے پاس پہنچ جائے گی۔ ذرا دیکھ
इस शिकारी कुत्ते की तरफ देख, ये बहुत भूखा और तेरे खून का प्यासा है। इसके तेज और नोकीले दांत सख्त तरीन हड्डियों को भी सालिम नहीं छोड़ते। कहां ये नाजुक और नातवा हड्डियां। यार ये खूबसूरत कपड़े तुम्हें पसंद हैं? बड़े कीमती अब रेशम से बुने हुए, ताकि ये कुत्ते की भूख और इश्तहा में मजीद इजाफा कर दे। मैं मजबूर हूँ कि इन खूबसूरत कपड़ों को तुम्हारे खून से आलूदा कर दूं, ताकि ये कुत्ता इसके चीथे लेकर दे। रुक। कुत्ते इस पर छोड़ दो। मेरे मालिक, अपने बच्चे की खातिर। मेरा बच्चा? क्या आप उसके मुंतजिर नहीं मेरे मालिक? तो क्या है इस वक्त? जी हाँ। देहाते लीना। खुदा की कसम, हुसैन ने अपनी जान नहीं दी मगर इसलिए कि लोग उनके हक का इकरार कर लें और सदाकत से काम लें, हराम को हराम समझें और हलाल को हलाल। बात वो कहें जो हक हो और फासिदों की इताअत और जालिमों की बेहत न करें। नवासाए रसूल का सर तन से जुदा किया जाता है, ये जुल्म और सितम की इंतहा है। खुदा उन्हें गारत करे। हमारा फर्ज है कि हम गुमराही से निकलें, लिहाजा जहाद के लिए तैयार हो जाओ और सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा करो। जगह से जल्दी निकलो, चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बारे में मजीद कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे मालिक, वो सिर्फ ये चाहती हैं कि बच्चों को उनके घर वापस भेज दिया जाए। इसमें क्या कबाहत है? आपने हुसैन का कत्ल करके अपना मकसद तो पा लिया। मेरा पीछा छोड़ो, और काम भी है, सोचूंगा। माजरत चाहता हूँ अमीर। क्या बात है सोर? एक शख्स को रोम के मुतालिक कोई बात करनी है। तो अब क्या चाहता है, मैं रोम पर भी लश्कर कशी करूँ? नहीं अमीर, कहता है रोमियों ने हमारी सरहदों पर हमला किया है और उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं और तमाम देहातों को आग लगा रहे हैं। इसे रोमी के पास भेजो, ताकि वो इसकी बातों को सुनकर कोई मुनासिब हल निकाले। लेकिन अमीर। शोर, जैसा कहा है वैसा ही करो।
तुम लोग 15 अफराद के हमरा उन्हें यहीं रोकने की कोशिश करो, मैं भी कोशिश करता हूं कि उनके निकलने की राह को मजबूत करूं। जाओ जल्दी करो। अहले बैत पैगंबर हमारे हवाले कर दो। तुम लोग कौन हो? वो जो खुदा यक्ता की गवाही देते हैं और मोहम्मद को खुदा का नबी मानते हैं, और ये के हुसैन राह खुदा में शहीद हुए, वो भी मलून तरीन और जलील तरीन शख्स के हाथों। बखुदा हमारे लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं कि हम अपने मौला और आका इमाम हुसैन से जाने लें और तुम्हारा खून बहाकर उनका कुर्ब हासिल करें। अल्लाहु अकबर। खुशखबरी है कि खलीफा ने आपकी बात मान ली है। वाकई? जी हाँ। अगर उसने अपने वादे पर अमल ना किया तो? नहीं नहीं, मेरे आका के बारे में ऐसी बातें ना करें। यानी अभी जहाँ है वहीं से उन्हें उनके शहर वापस भेज दिया जाएगा? बिल्कुल, और एक कासिद भी रवाना कर दिया है ताकि असीरों के काफिले सालार से कहें कि उन्हें नहायत इज्जत और एहतराम के साथ उनके जद के शहर पहुँचा दें। आप इत्मीनान रखें। الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. इसने उस सिपाही को मार डाला, लिहाजा सजा की हकदार है। खबरदार ऐ शिम्र, इब्ने ज़ियाद के कहने पर हमारे कितने नौजवान तुमने पहले कत्ल किए हैं। जो शरीफ माओं के बेटे थे वो उसको कत्ल ना करती अगर तेरा सिपाही उसके बीमार भाई को कत्ल करने का इरादा ना करता। मुझे कत्ल करो। तुम्हें तो कुछ ना करना, बल्कि मुझे कत्ल करो, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे सिपाही को मारा है। तुम सब क्या हो गए, एक दूसरे पर जान देते हो। ऐ सरदार, इनको नहीं छोड़ना, ये हमारे और सिपाहियों को इसी तरह मारते रहेंगे। क्या तुम लोगों को खौफ खुदा नहीं कि हमारे बच्चों पर भी जुल्म करते हो? तुम पर ऐसी बला नाजिल होगी जो तुम्हें गर्क कर देगी। रुकैया, रुकैया, भाग जाओ, भाग जाओ रुकैया। जब बाबा के मजार पर पहुँचो तो मेरा सलाम कहना। गारत करे तुम्हें,
बंधे हुए हाथों के बावजूद फरार हो गई। गौर से सुनो, चंद सिपाहियों को अपने साथ लेकर जाओ और गुरूब से पहले उसे मेरे पास लेकर आओ। अब तक ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। जाओ। अफसोस है तुम पर ऐ ज़ालिमो, लानत हो तुम पर खुदा की। ये कितना मुश्किल सफर है, इससे कहीं बेहतर था एक पहाड़ का अपने शान पर उठाना। इनको खलीफा के पास ले जाने से कहीं ज्यादा बेहतर होता। घबराइए मत दुख्तरे ग्रामी, उसे हर शर से महफूज रखना। बेशक तू हमारी दुआओं को कबूल करता है, उसे हमसे मिला दे, उसे जालिमों से महफूज कर दे। खुदाया उसे हर शर से महफूज रखना। या रब। यकीन नहीं आता कि वो एक लड़की तीन मर्दों को मार सकती है, जबकि इनमें से एक ये हो। आखिर कैसे, कौन इन पर हमला कर सकता है? तुम पर अफसोस है ऐ अहले बैत हुसैन, तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और अपनी मौत को दावत दी है। इसके लिए तैयार हो जाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं अजीज से इनाम लेने की। ऐ मोहम्मद की बेटियों, तैयार हो जाओ मौत के लिए। अगर ये हमको कत्ल करे तो हमको भी शौदाए करबला के साथ मशहूर फरमाना। यार क्या करो, गुस्सा थूक दो। अगर इनको कत्ल करेगा तो यजीद के पास क्या खाली हाथ जाएगा? क्या तुम्हें उसकी खुशनूदी नहीं चाहिए? ये तो वही है, हुसैन की बेटी है। बाखुदा अगर यजीद तक पहुंच गए तो वो यकीनन उन्हें अजियतें देगा ताकि इस तरह उनसे इंतकाम ले और जिन्हें असीर किया उनके साथ बुरी तरह पेश आएगा। ऐसी सूरत में हम परवरदिगार के अताब को मुस्तहिक करार पाएंगे और वो किसी मोमिन को नहीं बख्शेगा जब तक कि अपने गुनाह की तलाफी ना कर ले।
यकीनन किसी ने वाली शहर को इतला कर दी है, हर जगह सिपाही निगरानी कर रहे हैं। वाली को खबर हो गई, लेकिन कैसे? पता नहीं ये काम किसका हो सकता है। पहले हमें इस मलून का पीछा करना होगा, इससे पहले कि किसी को हमारे ठिकाने का पता चल जाए। हमें अहले बैत को निजात दिलानी है। डॉक्टर ग्रामी, यहाँ खतरा है, हमें चलना होगा। क्या हुआ, किस लिए चलें? वालिया शहर समझ गया कि हम काम करना चाहते हैं। उसने अपने सिपाहियों को गश्त पर मामूर कर दिया है। जल्दी करो, चलें। का कासिद तो यहाँ पहुँच गया था, तो फिर जनाबे वाली खुद क्यों यहाँ आए? मैं ये बताने आया हूँ कि इन सवारों को अपने साथ शाम ले जा सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि मोसल में दाखिल ना होना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की मजाहमत का सामना करना पड़े। हम मजाहमों से पहले ही लड़ते आ रहे हैं। उनका मकसद अहले बैत हुसैन को निजात दिलाना है। कुछ पता चला दुख्तर हुसैन कहाँ है? इंशाल्लाह जल्द हमारे साथ मुलाकात कर लेगी। अल्लाह अपने नेक बंदों की खुद हिफाजत करता है। वो उनके हालों से आगाह है कि वो किस हाल में है। क्या ये मुमकिन है कि वो मदीना लौट जाए? खुदा ने जो इरादा किया है उससे उसके बंदे मुंह नहीं मोड़ते। अगर हम इस तरह मोसुल पहुँचे तो अवाम बरहम हो जाएगी। बाकी कसम, इससे बढ़कर कोई जिम्मेदारी नहीं, इससे बढ़कर दिलो जमीर पर कोई बोझ नहीं, और इससे बदतर संगीन कोई गुनाह नहीं के हम रसूल खुदा के अहले बैत और उनकी बेटियों को इन फासिक फाजिर और खुरूज करने वाले मुशरकीन और खुदा और रसूल खुदा से पैमान बांधकर तोड़ने वालों के हाथों में असीर रहने दें। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये वो हैं जो खुल्लम खुल्ला फिस्क और फजूर करते हैं। ए अकाबरीन हलब, ए हलब के बुजुर्गों और जवानों, जब नौबत यहां तक आ जाए, इब्ने ज़ियाद और यजीद की तलवारें फरजंदे रसूल खुदा के मद्दे मुकाबिल आ जाएं, तो आपको चाहिए कि इस अजर व सवाब को हाथों से ना जाने दें और दुश्मनान पैगंबर से जंग के लिए उठ खड़े हों। खुदा जजाए खैर देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा का शुक्र है संग्रेजों और रेत के जर्रों के बराबर और अर्श वालों के बराबर। वशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलह। वो जिनकी औलाद को नहरे फरात के किनारे प्यासा ज़िबह किया गया, जिनकी ना किसी ने हिमायत की और ना ही नुसरत व यावरी, यहाँ तक कि महबूब हकीकी से जा मिले। वो पाक बाज हस्तियाँ जिनके फजाइल मशहूर व मारूफ थे, जिन्हें राह खुदा में ना किसी मलामत की परवाह थी ना ही किसी का खौफ, खुदाए वाहिद की इबादत की, जो मुसलमानों के लिए बेहतरीन खैरख्वाह थे, एक मुसाफिर की तरह जाहिदाना जिंदगी गुजारी, सिर्फ आखिरत पर निगाह रखी उम्मीदवारों की तरह,
उन्होंने खुदा की राह में जंग की और बिलाखिर मर्तबा शहादत का इंतखाब किया। गौर करो मुसलमानों और ऐ मोमिनों, मेरी बात गौर से सुनो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसके वरगलाने पर अहले बैत रसूल के साथ जंग की गई। ये कौन चाहता था कि हमें हमारे हक से महरूम करे। मैं नहीं समझती कि आपको इल्म ना हो। वही जो शकील कल्ब हो गए, जिनके दिल पत्थर के हो गए, खुदा ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी और उनके कानों और आंखों पर मोहर लगा दी और शैतान ने उन्हें वसवसों में मुब्तला किया और उनकी आंखों पर गफलत के पर्दे डाल दिए। लिहाजा ये कभी हिदायत नहीं पा सकते। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, ये पैगंबर की बेटियां हैं जिन्हें ताजियाने मारे जा रहे हैं खुदा के नजदीक बदतरीन और पस्तरीन अफराद के हाथों। मासूम बच्चों को ले जाया जा रहा है पापे आदा और खाक आलूदा मस्तूरात को और इमाम को, जिन पर बीमारी और नातवानी के बायस चलना दुश्वार है। ए अहले बैत रसूलुल्लाह, कुछ चाहिए? तुम्हारा अहले बैत तो यजीद है जिसके तुम सिपाही हो। नहीं, सब ऐसे नहीं, कुछ आपके हमदर्द भी हैं। तुम लोग हमें जानते हो, फिर भी उन लोगों की गुलामी का तौक अपने गले में डाला हुआ है। तुम्हारे दिल स्याह और सख्त हो चुके हैं। ऐ फर्जंदे रसूलुल्लाह, कुछ इरशाद फरमाइए ताकि इनके दिल मुनकलिब हो जाए। खुदा उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत खुद नहीं बदलती। अगर तुम्हें इस बच्चे पर रहम आ रहा है तो इसके लिए थोड़े से पानी का इंतजाम कर दो ताकि इसकी तृष्णगी दूर हो जाए। जवान, यहां आओ। यह तुम्हारे हाथ में क्या है? पानी है अमीर। पानी किसके लिए ले जा रहे हो? उनके लिए। उनके बच्चों में से एक बच्चे को बहुत शदीद बुखार हो रहा है, उसकी प्यास बुझाने के लिए। देखूं तो। शर्म नहीं आती तुमको? आधा भर के ले जा रहे हो। ज्यादा ले लो अमीर। रहने दो, मैं खुद बढ़ाई देता हूँ। इधर लाओ। जाओ, अब उनके लिए ले जाओ। जाओ। तुम्हें क्या हुआ? ले जाओ ताकि उनके बीमारों को शिफा मिले। जाओ जाओ। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम आजमाइश पर पूरे उतरे और तुमने अपने समल से साबित कर दिया कि तुम निकोकार हो।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह अलैह। अंदर नहीं आओगे? मैं बैठने नहीं आया हूँ, दरअसल मुझे आपसे कुछ कुमक दरकार है। कुमक? कुमक किस लिए? जनाब अभी अब्दुल्ला हुसैन के लिए। अफसोस अफसोस, खुदा की कसम हमने उन्हें भुला दिया, हम उनके रास्ते से भटक गए, हम गफलत में पड़ गए हैं। हमने तब उनके मकसद को समझा जब गुनाहगारों की तलवार उनके खून में आलूदा हो चुकी थी। अगर हुसैन दोबारा लौट आए और तुमसे चाहें कि उनके अहले बैत को पना दो और उनका दिफा करो, तो क्या तुम्हारा जवाब मुस्बत होगा? कहना क्या जा रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा? सब पर खुदा की रहमत हो, निहायत सब्र इस्तकामत के साथ जिन्होंने दीन की हुर्मत को पामाल किया, मोमिन मर्द और औरतों की हुर्मत को पामाल किया, और जो अहले बैत रसूल खुदा की नामूस को असीर करके गुनाह अजीम के मुर्तकिब हुए उनके खिलाफ खड़े हो। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। खुदा के नाम से और उसके नबी के दीन के नाम से, और वो जिन्होंने सही मायनों में उनकी पैरवी की, आप सब पर खुदा की रहमत हो। तुम कौन हो, क्या चाहते हो? कैदियों को आजाद कर दो। अफसोस, क्या उनके सरदार का जिसे तुम्हारा अमीर खौफ सता था, कत्ल काफिर था जो दीगर के दर पे हो, हुक्म दो कि इन सबको आजाद कर दें। अगर उन्हें आजाद ना किया तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। छोड़ दो इन्हें, तमाम तारीफें उस खुदा के लिए जो बादशाहों को उनके गुनाहों के सबब गुलाम बना देता है और गुलामों को उनकी नेकियों के सिले में बादशाहत अता करता है। अगर मुंह नहीं खोला तो है बूढ़े कुत्ते, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके तेरे घर के सामने डाल दूंगा। बता उन्हें कहां लेकर गए हैं? बखुदा अगर मुझे उनके बारे में कुछ पता होता
तब भी मैं तुझ जैसे मलून को कुछ नहीं बताता। खातू मेरे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दे। अमीर, उनका पता चल गया। कहाँ है? खबर मिली है कि वो कबीला अस्वद के पास हैं। लानत हो तुझ पर है खबीस बूढ़े, हमसे हिमायत का ऐलान करते हो और दरपर्दा हमसे दुश्मनी करते हो। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि सारी कौम कबीले के लिए नमूना इबरत बन जाए। मेरी बात गौर से सुनो, अहले बैत हुसैन हमें लौटा दो ताकि हम उन्हें खलीफा के सामने पेश करें। जब तक हमारी रगों में खून दौड़ रहा है, लौट जाओ या फिर शिकस्त के लिए तैयार हो जाओ, वरना इनसे पहले मैं अपनी जान दूंगा। अगर इन्हें हमारे हवाले कर दो तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अमान दे दी जाएगी। ये जहन्नुमी अफराद हमसे जंग करने का मजा चख चुके हैं, लिहाजा खुदा की पनाह मांगो और यहाँ से चले जाओ, रास्ते से हट जाओ ताकि हम हुसैन के अहले आयाल को मदीना वापस पहुंचा दें। खुदा की कसम हम उन्हें लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तो फिर हमारे नेजों और तलवारों का सामना करने के लिए तैयार हो जा लईन। क्या तुझे अपने बाप की जिंदगी अजीज नहीं? नहीं, मेरी बच्ची पैगंबर के नामूस का दिफा करो। ऐसे हालात में खुदा तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक के नेकोकार और बदकार अपराध की पहचान वाजे हो जाए। इनका मुकाबला करो मेरी बच्ची, इनसे जंग करो, क्योंकि इनकी मिसाल कौम नूह की सी है कि जब जब इन्हें दावत हक दी गई ताकि खुदा की रहमत के हकदार करार पाएं, तब तब इन लोगों ने सुनी अनसुनी कर दी। जो खुदा की नाफरमानी में कदम उठाता है उससे कोई इल्तिजा करना जिल्लत की बात है। जंग करो इनसे, देखते हैं कौन जलील है और कौन पस्त, अभी पता चल जाता है बुड्ढे। इतना हौसला नहीं कि तुम्हारी ये बेहुदा बातें सुने। Thank you.
نزدیک حاس. میں اس پروردگار سے جس نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے مدد طلب کرتا ہوں. سفر کی تھکان کے باعث ہم نے سوچا کہ تمہاری خانقاہ میں کچھ دیر استراحت کر لیں. یہ خدا کی خانقاہ ہے, لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ ہم مسلمانوں کے خلیفہ یزید کے سپاہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اتنی جگہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ خلیفہ کی امانتیں ہیں, اس وجہ سے ڈر ہے کہیں خلیفہ کے دشمن کوئی نقصان نہ پہنچا دیں یا کہیں آ کر چھین نہ لیں. یہ لوگ کیوں نہیں لے رہے؟ کیا یہ صدقہ ہے؟ یہ خدا کا رزق ہے اور آپ مہمان ہیں. ذرا انتظار کرو. ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے رب, جو کچھ تو نے بھیجا ہے مجھ مسافر کے لیے بہتر ہے. تباہ ہو جاؤ, میرے لیے بہترین شراب لاؤ. اگر آپ کے جد محمد پیغمبر خدا تھے اور ان کی رسالت برحق تھی تو پھر کیوں پروردگار آپ کی دادرسی نہیں کرتا؟ آپ لوگ اہل بیت رسول ہیں تو اس قید سے نجات کیوں نہیں دیتا؟ کیا عیسیٰ ابن مریم جن پر خدا نے کتاب نازل کی اور انہیں صاحب کرامت قرار دیا, کیا پیغمبر نہیں تھے؟ بس کیوں کہتے ہو کہ انہیں مسلوب کیا گیا؟ ہاں
अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म और सितम ढाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? जालिम के तमाम नेक आमाल मजलूम के नामे आमाल में शामिल कर दिए जाते हैं। और अगर जालिम के पास नेकियां ना हो तो? मजलूम की बदामालियां जालिम के नामे आमाल में लिख दी जाती हैं। बहुत आलमाना गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ज़ोहद क्या है? ज़ोहद का बाला तरीन दर्जा तकवा का कम तरीन दर्जा है और तकवा का बाला तरीन दर्जा यकीन का कम तरीन दर्जा है और यकीन का बाला तरीन दर्जा रजाइत का कम तरीन दर्जा है। याद रखो कि ज़ोहद किताब खुदा की रूह से यह है कि ताकि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाता रहे उस पर तुम अफसोस न करो और जो कुछ उसने तुमको अता किया है उस पर आप इसे बाहर न हो जाओ। खुदा के नजदीक सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? खुदा और उसके रसूल की मार्फत के बाद दुनिया से बेतनाई से ज्यादा कोई अमल बेहतरीन नहीं है और उसकी कई किस्में हैं। इसी तरह गुनाहों की भी चंद किस्में हैं। खुदा के नजदीक सबसे पहला गुनाह तकब्बुर था जो इब्लीस से सरजद हुआ कि जब उसने हुक्म खुदा से रूगर्दानी की, इन्हराफ किया और काफिरों में से करार पाया। और हसद जो कि फर्जंद आदम का गुनाह था जिसने अपने भाई से हसद की बिना पर उसे मार डाला। गुनाह की दीगर इकसाम में से नामहरम औरतों की तरफ रग़बत, दुनिया की रग़बत, इक्तदार की हवस, राहत तलबी, पुरगोई, बरतरी तलबी, सर्वत अंदोजी और जखीरा अंदोजी है। ये कुल मिलाकर सात इकसाम हुई और इन तमाम बुराइयों की जड़ दुनिया की मोहब्बत है और इन तमाम गुनाहों का सरचश्मा दुनिया की मोहब्बत है। यहां तक कि तमाम अंबिया और उलमा इस नतीजे पर पहुंचे कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। अली इब्ने अबी तालिब के फरमान के मुताबिक खुदा इन्हें आजमा रहा है ताकि सच्चे और झूठे की पहचान हो जाए। आप उनसे कुछ बातें कर रहे थे, आपसे क्या कहा? जो सख्त आजमाइश से गुजर रहा हूं वो क्या कह सकता है, उसके बाप को कत्ल कर दिया और उनकी आंखों के सामने उनके सरों को संदूक में रख दिया, फिर भी रब का शुक्र गुजार है, तेरी पनाह मांगता हूं, तुझसे खाइफ हूं, तुझी से मदद मांगता हूं और सिर्फ तुझ पर तवक्कल करता हूं। इसे इसकी आंखों में डालिए, खुदा ने चाहा तो शिफा मिलेगी, मैं भी इसके लिए दुआ करूंगी। मैं ठीक हो जाऊंगी पुप्पी जान, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? इंशाल्लाह मेरी बच्ची, इंशाल्लाह। खौला 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 खौला।
खुदा का शुक्र है जिसने तुम्हें बर्बाद किया, खलीफा यजीद को तुम पर गालिब किया। ए शेख, क्या तुमने कुरान पढ़ा है? तुम्हारा कुरान से क्या वास्ता? क्या तुमने पढ़ा है कि कह दो ए मोहम्मद कि मैं तुमसे रिसालत का अजर इसके सिवा कुछ नहीं मांगता कि तुम मेरे अकरबा से मोहब्बत करो? हाँ, पढ़ी है ये आयत। वो कराबतदार हम ही हैं ए शेख। तूने ये आयत पढ़ी है? अल्लाह का इरादा यही है कि अहले बैत रसूल तुझसे रिज्क को ऐसे ही दूर रखे जैसे रखने का हक है। हाँ, ये आयत भी पढ़ी है। हम ही वो अहले बैत हैं जिनकी तहारत की गवाही अल्लाह ने इस आयत में दी है। लानत हो मुझ पर, लानत हो मुझ पर। तो क्या आप ही वो लोग हैं? खुदा की कसम, हम ही वो लोग हैं। हमारे जद रसूल खुदा की कसम। जद? आपके जद रसूल खुदा? खुदाया, मैं तेरे रसूल के दुश्मन से इजहार बेजारी करता हूँ। खुदाया, मैं दुश्मन अहले बैत में से नहीं हूँ, बल्कि मैं बेजारी इख्तियार करता हूँ हर जिन्नो इंस से जो अहले बैत के दुश्मन है। सरकशी का अंजाम देख लिया हुसैन? मुझे तो मालूम ही ना था कि हुसैन इस उम्र को पहुंच चुका है। क्या बालों की सफेदी को अब तक खिजाब से छुपा रखा था या फिर? अरे हुसैन की तोहिन कर रहे हो? खुदा की कसम, तू छड़ी से उस सर की बेइज्जती भी कर रहा है जिसके बोसे लेते रसूल खुदा को मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद रख ए यजीद, रोजे कयामत तेरा शफी इब्ने ज़ियाद होगा, जबकि इन लोगों के शफी पैगंबर खुदा होंगे। लानत हो तुझ पर ए यजीद, लानत हो तुझ पर ए यजीद, खुदा की मार हो तुझ पर। अली, ये तेरा बाप था जिसने मेरे साथ कतई रहम किया और मेरे हक को नजरअंदाज किया और मेरी खिलाफत की मुखालफत की। देखा खुदा ने उसके साथ क्या किया। कोई मुसीबत जमीन पर और खुद तुम पर नहीं पड़ती मगर पेशतर इसके कि हम उसको पैदा करें। एक किताब में है, बिला शक ये अम्र अल्लाह के लिए आसान है, ताकि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाता रहा है उस पर तुम अफसोस न करो और जो कुछ उसने तुमको अता किया है उस पर आप इसे बाहर ना हो जाओ। और अल्लाह हर इतराने वाले शेखीबाज को दोस्त नहीं रखता। कोई मुसीबत खुद तुम पर नहीं पड़ती मगर तुम्हारे अपने अमाल के सबब। ये उसके मुतालिक है जिसने सितम रवा रखा, न कि जिसने सितम सहा। काश मेरे बदर के इसलाफ होते तो देखते नेजों के लगने से बनी खिजरज का इस्तराब, तो वो खुश होकर चिल्लाते और कहते ए यजीद, तेरा बाजू शल ना हो, तूने इनके बड़े पेशरू बुजुर्गों को मार डाला कि ये बदर का इंतकाम था और अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। बनी हाशिम ने सल्तनत का खेल खेला था, बनी हाशिम ने सल्तनत का खेल खेला था, वरना ना वही नाजिल हुई ना फरिश्ते आए। और अब ये सोचते होंगे कि काश हुसैन मारा ना गया होता। हिंदा जिगर खोरा के पोते से और क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे शख्स से रियायत की उम्मीद कैसे की जा सकती है जो पाक बाज हस्तियों का कलेजा जबाने वाला हो
اور کیا توقع اس سے جس کا گوشت شہیدوں کے خون سے اگا ہو؟ وہ شخص ہم اہل بیت کے بوس میں کوئی کسر کیسے اٹھائے گا جس نے ہم پر عداوت کی نظر رکھی ہو؟ اور پھر کسی احساس جرم کے بغیر تو نے آسانی سے یہ بات بھی اگل دی کہ میرے اسلاف خوش ہو کر چلاتے اور کہتے یزید تیرا بازو شل نہ ہو، اس طرح ان کی توہین کر رہا ہے تو، خدا سے غافل کس قدر بدکار ہے تو۔ واقعہ کربلا انتقام ہے جنگ بدر کا۔ ہاں خدا کی قسم تو نے ایسی ہی باتیں کرنا تھی، کیونکہ تو نے زخموں کو اور گہرا کر دیا ہے، تو اپنے پرانے زخموں کا مداوا چاہتا ہے۔ روئے زمین پر محمد کی اولاد کا اور آل مطلب کے چاند تاروں کا لہو بہا کر تو اپنے اسلاف کو پکارتا ہے، جبکہ بخدا اے یزید تو خود بھی اسی گھاٹی میں اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں۔ پھر تیرا دل چاہے گا کہ اے کاش ہاتھ شل ہوتا، زبان بند ہو جاتی، تاکہ جو کچھ کہا ہے وہ نہ کہتا۔ چپ ہو جاؤ، خدا تمہیں نابود کرے جیسے تمہارے بھائی کو نابود کیا۔ تو نے خود کو نابود کیا ہے اور اپنے گوشت کو جلایا ہے، تجھے رسول اللہ کی حضور ان سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے پیش ہونا ہوگا کہ ان کی اولاد کا خون بہایا ہے تو نے اور ان کی عزت کی بے حرمتی کی ہے۔ تب پروردگار رسول اور اولاد رسول کو اکٹھا فرمائے گا اور ان کو ان کا حق دلائے گا۔ خدا فرماتا ہے جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان صرف تلوار ہی فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ اب صلح ممکن نہیں۔ فیصلے کے لیے اللہ کافی ہے، اور مدعی کے لیے محمد اور مددگاری کے لیے جبرائیل۔ ان لوگوں کو اپنے انجام کا علم ہو جائے گا جنہوں نے تجھے مسلمانوں کی گردن پر مسلط کر دیا، وہاں تمہیں پتا چلے گا کہ کس کا ٹھکانہ برا ہے۔ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ تیری یہ مجال کے اس طرح گستاخی کرے، دیکھ رہے ہو؟ اگر کوئی عورت شہنشاہ روم کے سامنے اس طرح بولتی تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ اس عورت کو کیا وہ مسلوب نہیں کر دیتا؟ اگرچہ میں تجھ سے مخاطبت کی مصیبت سے دوچار ہوں، تاہم میں تجھے جھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں، اور تیری سرزنش کو بڑی جسارت سمجھتی ہوں، اور تیری دھمکی کو حد سے زیادہ سمجھتی ہوں۔ اللہ کا پاکیزہ نسل پر مشتمل گروہ فتح مکہ کے موقع پر آزاد کردہ شیطانی گروہ کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ اگر تو ہمیں اسیر بنانے کو اپنے مفاد میں سمجھتا ہے تو کل اس کا خسارہ تجھے اٹھانا پڑے گا، جہاں تجھے وہی ملے گا جو تو نے آگے بھیجا ہوگا۔ تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ باخدا تجھے تیرے بھائی کے پاس پہنچا دوں گا۔ اے سردار، اگر اس کو قتل کر دو گے تو تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، لوگ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور یقیناً تم یہ پسند نہیں کرو گے۔ انہیں ختم ہونا چاہیے، باخدا ان کے لیے ایسی چال چلوں گا کہ کسی حاکم نے اپنی رعایا کے ساتھ نہ چلی ہو۔ ہم تیری رعایا نہیں ہیں، اے یزید تو اپنی چال چل اور اپنی پوری کوشش کر، اپنی جدوجہد کو تیز کر۔ اے یزید قسم بخدا تو ہمارا ذکر مٹا نہ سکے گا، نہ ہماری وحی کو ختم کر سکے گا، اور نہ تو اس آر و ننگ کا دھبا دھو سکے گا۔ تیری رائے غلط تھی، تیری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، تیری جمعیت کا شیرازہ بکھرنے والا ہے۔ ظالم پر اللہ کی لعنت۔ خاموش کراؤ اسے، خدا رائے سے چپ کراؤ، خاموش کراؤ۔ صبر کیجئے پھوپھی اماں، بخدا جیسے آپ نے خطاب کیا عالمہ غیر معلمہ ہی کر سکتی ہیں۔ اس عورت کو میرے حوالے کر دو اے امیر، ایسی سخت اذیتیں دوں گا کہ آپ کے آگے چکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تو اور تیری ماں جھوٹے ہیں، نہ کہ میری ماں اور بھائی۔ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں کہ اس طرح گستاخی کرے؟ بخدا تو ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر یہ کہ ہمارے دین سے خارج ہو جائے اور کوئی دوسرا دین اپنا لے، حالانکہ تو دوسرے دین ہی پر ہے، تو پھر اس بات کا اقرار کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ تمہارے باپ اور بھائی تھے جو دین سے خارج ہو گئے تھے۔ تو نے اور تیرے باپ نے خدا اور رسول اور میرے جد کے دین کو اپنایا ہے، اگر مسلمان ہے تو۔ جھوٹ بول رہی ہو اے دشمن خدا۔ دشمن خدا؟ خدا کی قسم تو ظالم ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور البتہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گناہ میں اور اضافہ کریں، اور آخر کار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی اور 7 فضیلتوں سے ہمیں برتری حاصل ہے، اور وہ 6 یہ ہیں: علم و حکمت،
حلم و بردباری، جود و سخا، فصاحت و بلاغت، شجاعت و بہادری اور مومنین کے دلوں میں مودت و محبت، اور ہماری سات فضیلتیں یہ ہیں کہ نبی مختار محمد ہم میں سے ہیں، امت کے صدیق و تیار علی و جعفر ہم میں سے ہیں، شیر خدا اور رسول خدا کے شیر حمزہ بن عبد المطلب ہم میں سے ہیں، رسول خدا کے نواسے ہم میں سے ہیں، مہدی ہم میں سے ہیں۔ اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اسے اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ میں مکہ اور مینا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے اطراف ابا سے حجر اسود اٹھایا، میں اس کا فرزند ہوں جو روئے زمین پر بہترین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین طواف کیا، بہترین سعی کی، میں اس کا فرزند ہوں جس نے بہترین حج کیا اور بہترین لبیک کہا، میں اس کا فرزند ہوں جسے براق پر سوار کر کے معراج پر لے گئے، میں اس کا فرزند ہوں جسے رات و رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف لے جایا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے، میں اس کا فرزند ہوں جو اتنا قریب قریب ہوا کہ قاب قوسین کی منزل پر فائز ہوا، میں اس کا فرزند ہوں جس پر ملائکہ آسمان نے درود و سلام بھیجا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی طرف خدا جلیل نے وحی کی، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے سبب کافروں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے رسول خدا کے ہم رکاب ہو کر دو تلواروں سے جنگ کی، دو نیزوں سے جنگ کی، دو ہجرتیں کی، جس نے دو بیعتیں کی، بدر حنین میں تلوار چلائی اور پلک جھپکنے کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے تائید فرمائی اور میکائیل کے ذریعے نصرت فرمائی، میں مسلمانوں کی ناموس کے محافظ کا فرزند ہوں، میں اس کا جو بیعت توڑنے والے، صفین والے، نہروان والے کو قتل کرنے والا ہے، جس نے ناصبین سے جہاد کیا، اس اول کا فرزند ہوں جس نے تمام مومنین میں سب سے پہلے خدا و رسول خدا کی دعوت کو قبول کیا، وہ جو سب سابقین سے پہلے ہیں، مشرکین کو قتل کرنے والے ہیں اور منافقین کے خلاف اللہ کا تیر ہیں، جس کی زبان عابدین کے لیے حکمت ہے، وہ جو اللہ کے دین کا ناصر ہے، اللہ کے امر کا ولی ہے اور اللہ کی حکمت کا خزانہ ہے، متواضع اور معاف کرنے والے تھے، جنگجو اور فداکار تھے، دلاور، آہن شکن، لشکروں کو درہم برہم کرنے والے، نہایت سخت گیر، نہایت مضبوط و قوی، ثابت قدم اور کسی بھی ظالم کے سامنے کبھی نہ جھکنے والے، شجاع و بہادر، جنگوں میں مثل طوفان میدان پر چھا جاتے تھے اور انہیں تہس نہس کر دیتے تھے، بے مثل سورما، شیر حجاز، سید العرب، سردار اجم، مکی و مدنی، بدری و اہدی، سجری و مہاجری، عربوں کے درمیان سردار تھے، جنگجوؤں کے درمیان مثل شیر تھے، مشاعرین کا وارث، سبتین کا باپ، حسن و حسین، یہ میرے جد علی ابن ابی طالب تھے، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں سیدت النساء العالمین کا فرزند ہوں، میں بطول مطہر کا فرزند ہوں، میں لخت جگر رسول کا فرزند ہوں، میں اس خون آلودہ کا فرزند ہوں، میں اس مظلوم کا فرزند ہوں جسے کربلا میں ذبح کیا گیا، اب ہمیشہ یوں ہی چلتے سڑتے رہو یزید، چیخو چلاؤ جتنا ہو سکے، نالو فریاد کرو، یہ تو بہت کم ہے، تیرے لیے تو دائمی عذاب ہے۔
तू हमारा जिक्र मिटा ना सकेगा, ना हमारी वही को खत्म कर सकेगा और ना तू इस आर और नंग का धब्बा धो सकेगा। तेरी राय गलत थी, तेरी जिंदगी थोड़ी रह गई है। तेरी जमीयत का शेराजा बिखरने वाला है, जालिमों पर अल्लाह की लानत। ये कैसी आवाज है? ये आवाज कैसी है? मैं किसी की भी आवाज सुनना नहीं चाहता, मैं कोई आवाज सुनना नहीं चाहता, इसे खामोश कराओ। हुसैन की छोटी बेटी है अमीर, अपने बाप का सर मांग रही है। अपने बाबा को याद कर रही है? तो इसके पास लेकर जाओ इसका सर। अब खुदों की तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जा लेकर जा सर हुसैन, ताकि देख ले। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हुसैन की बहन और अली इब्न हुसैन के खुतबों से लोगों में काफी हलचल पैदा हो गई है। जल्द ही ये चिंगारी आग में तब्दील हो जाएगी। मैं मुसलमानों के दरमियान अपनी हैसियत खो बैठा हूँ। लानत हो तुम पर और उस पर जिसने तुम्हारे मशवरों पर कान धरा। अब कोई और मशवरा नहीं है क्या तुम्हारे पास? अब बताओ कि मैं क्या करूं। मेरे ख्याल में अमीर बेहतर होगा कि उन लोगों को कैद से आजाद कर दें, ताकि लोगों को ठंडा किया जा सके। ऐ अमीर, इन लोगों का अब ज्यादा दरशाह में रहना मुनासिब नहीं। अगर कुछ ऐसे और यहां रहे तो मैं क्या करूं? अस्सलामु अलैकुम ऐ चचाजाद। जो अल्लाह की इताअत करे उस पर सलाम हो। मेरी तरफ से मुंह क्यों फेर लिया चचाजाद? अब किस लिए आए हो? मैं आपको कुछ देने आया हूं। तुम जैसा किसी को क्या दे सकता है? तू जो खुदा के नजदीक हकीर तरीन और जलील तरीन शख्स है, तू क्या दे सकता है? अगर एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान पर सतम किया हो तो इसके साथ क्या किया जाता है? अल्लाह जालिम के नेक अमाल मजलूम के नामा अमाल में डाल देता है। और अगर जालिम इस जैसा हो जिसके पास कोई अमल नेकी ना हो तो?
मजलूम के आमाल बद जालिम के नामे आमाल में लिख देता है। माफ कर देना तो आप लोगों का खासा है ऐचा जजाद, लानत हो मरजाने के बेटे पर जिसने हम सबको ये दिन दिखाए। अगर पता होता तो हरगिज इजाजत ना देता कि तुम्हारे बाप को कोई नुकसान पहुंचे, ख्वाह मेरे अपने बेटे हलाक हो जाते। अब बहुत देर हो गई है, लेकिन खुदा की कसम उनको तेरे हुक्म पर शहीद किया गया, मेरे बाबा और उनके साहब को कत्ल किया गया, अब और क्या चाहता है। किस कदर घटिया इंसान है तू, पहले तो मेरे भाई और उनके अहले बैत का कत्ल करता है और फिर उनका खून बहा हमें देता है। खुदा की कसम मैंने किसी काफिर और मुशरिक को नहीं देखा जो तुझसे ज्यादा जलील हो। तो अब तुम लोग क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तू मेरे बाबा का सर मुझे दे दे और हमारी मस्तूरात का लूटा हुआ माल वापस कर दे जो हमारे वालिदैन की मीरास है, और अगर तू मेरे कत्ल का इरादा रखता है तो किसी को मेरे अयाल के हमरा भेज दे ताकि वो उन्हें पैगंबर खुदा के शहर तक पहुंचा दे। तुम्हारे बाबा का सर तो तुम्हें मिल नहीं सकता और लूटा हुआ माल लौटाया नहीं जाएगा। बाकी रही खवातीन तो उन्हें तुम खुद ही लेकर जाओगे, मैंने तुम्हें रिहा किया, इन्हें अपनी निगरानी में पैगंबर के शहर वापस ले जाओ यसरब में। कुर्बान जाऊं वहां पर। अगर तो इनको दिन में रवाना करेगा तो लोग खुदा हाफिजी के लिए उनके गिर्द जमा हो जाएंगे, और मुझे खदशा है कि लोगों की हिमायत और तआवुन से तेरे खिलाफ उठना खड़े हो। तो फिर कुछ ऐसा करो कि रात की तारीकी में रवाना हो, लोगों की निगाहों से दूर। चलिए ऐ फरजंदे रसूलुल्लाह, हमें सरजमीन करबला ले चलो ताकि अपने बाबा की कब्र से तजदीद अहद कर सके। बेशक अल्लाह का वादा पूरा हुआ, वो अपने बंदों का इम्तिहान लेता है और सुरखरू करता है। हम कामयाब हुए, हमारा दुश्मन रुस्वा और बर्बाद हुआ। फिर अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदों को चुन लिया है और कयामत तक उनका जिक्र बाकी रखेगा जिसे रखने का हक है, बेशक वो शदीद अज़्म का इम्तिहान लेने वाला है। सदकल्लाजीम। करबला के रास्ते में रोजे आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे उम्मीद है कि परवरदिगार तुम्हारी रुसवाइयों से हमें सरफराजी अता फरमाएगा। परवरदिगार ने इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और जालिमों की रुसवाई उनके लिए दायमी सरबलंदी का बाइस बनी। Thank you.
وتطوف قافلة السداء والصوت يزرع في الظهور النار والشوك الأليم وتطوف قافلة السباق